हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स वेलकम बैक टू इन दिसन माई बी क्रैक दृष्टि गोयल एंड इन दिस पर्टिकुलर सेवेंटली आज क्वेश्चन इन एस एस बी इंटरव्यू रिलेटेड टू इंडियन आयरफोर्स पार्ट टू सो है आप जाके देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड नाउ वी विल भी डिस्कसिंग अबाउट मोर सच क्वेश्चन इन दिस पर्टिक्युलर पार्ट ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की सो so, पर्सनल इंटरव्यू जो आपके में कंडक्ट होता है दैट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम एनी डे लाइक सेकंड थर्ड फोर्थ ओके और उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फ्रॉम योर पीआईक्यू फॉर्म और फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ एक्सेप्ट फ्रॉम दैट देर कैन बी क्वेश्चन विच आर कैन बी आज रिलेटेड टूअर डिफेंस फोर्सेज आप देखो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए किसी भी इंटरव्यू के लिए आप बैठे हो इवन इन दी कॉपरेट वर्ल्ड है ना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता हो

वर्क ऑन योर पार ऑफ एक्सप्रेशन दैट वट यू वॉन्ट टू से शुड बी डिलीवर्ड एक्सैक्टली सेम टू योर इंटरव्यूंग ऑफिसर ठीक है कीप योर नॉन वर्बल जेस्टर्स इन चेक ये नहीं कि आप आराम से बैठ के हाथ हिला रहे हि इज नॉट योर फ्रेंड डू रिमेंबर दैट ही इज अ व वेरी सीनियर ऑफिसर एंड यू शुड रिस्पेक्ट द सेम देन बी ऑनेस्ट डोन्ट ट्राई टू मेक स्टोरीज आउट ऑफ देयर लाइक बिकॉज यू विली इजिली यू विल बी इजिली कॉट बायर इंटरव्यूंग ऑफिसर Then be अगर आप सच बोल रहे तो आप आप person, so हो तो कॉन्फिडेंस अपने आईज ऑफ दर्सन ठीक है सो दीज आर इंपॉर्टेंट टिप्स विच विल बी हेल्पिंग यू इन योर पर्सनल इंटरव्यू नाउ वी विल मूव आउट ऑन टू द्वेश्चन उससे पहले अगर आपको जानना है की फ्रॉम वेर यू कैन प्रिपेयर फॉर दर्सनल क्वेश्चन

ठीक है टेल मी अबाउट दी हेलीकॉप्टर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स स्पेसिफिकली आपसे पूछ सकते हैं किसी भी हेलीकॉप्टर के बारे में किसी भी एयरक्राफ्ट के बारे में ठीक है टेल मी अबाउट द इंडियन मिसाइल सिस्टम सो मिसाइल सिस्टम के बारे में आपसे पूछ सकते हैं या फिर किसी भी और वेपन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं स्पेसिफिकली गन्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं ए के फोर्टी सेवन हो गया है इंसास राइफल है उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं ठीक है देन वॉट इज नॉट नोटिकल माइन्स एंड मैक सो so, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंसेज जो है और जो स्पीड है एयरक्राफ्ट की वो किस यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है ठीक है देन हाउ इज योर सिटी रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स या फिर व्हाट आर द इंडियन एयरफोर्स एस्टेब्लिशमेंट नियर योर प्लेस तो अगर आप दिल्ली में हो तो आपसे पूछ लेंगे कि ओके विच वन इज दी नियरेस्ट बेस इंडियन एयरफोर्स बेस टू योर होम ठीक है ऐसे करके आपसे पूछ सकते हैं वन लार्जेस्ट ठीक है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको पता होने चाहिए उनके आंसर पूछ लेंगे रफेल इज रफेल वॉज फर्स्ट इंडक्टेड एट विच बेस ठीक है पूछा जा सकता है तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए ओके देन व्हाट इज वर्टिकल टेक ऑफ ठीक है रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है ना इसके बारे में बात भी चल रही थी कि यूएसए हैव एन एयरक्राफ्ट कैन टेक वर्टिकल टेक ऑफ एज वेल तो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज योर ओपिनियन विल इट वर्क और इज इट नॉट गोइंग टू वर्क मच कुछ भी या फिर इंडियन एयरफोर्स विल बी एबल टू इंक्लूड दिस और नॉट एंड वाई वी आर नॉट गोइंग टू इट कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग योर ओपिनियंस एज वेल वट इज अ स्ट्रीम लाइन शेप एंड वाइट इज इम्पोर्टेंट सो स्ट्रीम लाइन शेप एयरक्राफ्ट की क्यों बनाई जाती है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है किस केसेज में हेल्प करती है किस एयरक्राफ्ट में स्पेसिफिकली स्ट्रीम लाइन शेप है ऐसा करके आपसे पूछ सकते हैं इवन देखना बोलती है डेल्टा विंग ठीक है डेल्टा विंग क्या है डेल्टा विंग कौन से एयरक्राफ्ट में है उससे क्या हेल्प मिलती है फ्लाइट के टाइम पे बहुत चीज आपसे पूछी जा सकती है फ्लाई बाय वायर सिस्टम इन एन इंडियन एयरक्राफ्ट फ्लाई बाय वायर सिस्टम क्या है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और uh, किस प्लेटफॉर्म से ये सिस्टम टेक ऑफ करता है एनीथिंग ठीक है व्हाट आर फोर्स फोर्स मल्टीप्लायर्स मल्टीप्लायर्स ऑफ इंडियन कौन कौन से कौन से हैं उनसे कैसे हेल्प होती है ठीक है हाउ मेनी जनरेशन आर देयर इन एयरक्राफ्ट एवियोनिक्स एंड वट आर द फीचर्स ऑफ द लेटेस्ट जनरेशन सो हमें पता है कि लेटेस्ट अभी अभी यूएसएफ टेस्टेड सिक्स जनरेट सिक्सथ जनरेशन एयरक्राफ्ट राइट सो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट है उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है इंडिया में हाइएस्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन सा है और वो कौन सी जनरेशन का है ठीक है और हम कौन सी जनरेशन के एयरक्राफ्ट पे अभी वर्क कर रहे हैं तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देन वट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेडार और दे कैन इवन आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन रेडार एंड सोनार ठीक है देन व्हाट इज सीलिंग विद रिगार्ड टू एयरक्राफ्ट तो एयरक्राफ्ट में सीलिंग किसे बोलते हैं ठीक है

तो आप इजीली बता पाओगे अदरवाइज यू विल बी कन्फ्यूज ओके देन सपोज यू आर अनफिट फॉर फ्लाइंग ब्रांच विल यू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स फॉर ग्राउंड ड्यूटीज और नॉट सो आपसे ऐसे करके भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपने बोल दिया येस तो आपसे पूछेगा ओके इन विच ब्रांच यू वुड लाइक टू गो इन टू ग्राउंड ब्रांच इज इट एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स और योर मेट्रोलॉजी और अभी नाउ अभी एक नई स्ट्रीम लॉन्च की है ना वेपन सिस्टम ऑपरेटर तो उसके बारे में भी स्पेशली आपसे पूछ सकते हैं ओके व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट वेपन सिस्टम ऑपरेटर व्हाट इज द वर्क ऑफ वेपन सिस्टम ऑपरेटर ठीक है हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे इवन आप सब आप बोलोगे ओके आई वांट टू गो इनटू एडम सो आपसे पूछ लेंगे ओके व्हाट आर द सब ब्रांचेस ऑफ द एडम ब्रांच और आप कौन सी ब्रांच चूज करना चाहते हो व्हाट विल बी द वर्क ऑफ एन एडम एफसी ओके और एन ए ऑफिसर उनका क्या काम क्या है तो आप जिस सर्विस में जाने वाले हो उसमें आपको पता होना चाहिए अगर आप मेट ब्रांच के लिए जा रहे हो तो आपसे पूछेंगे कि वाई यू वॉन्ट टू जॉइन मेट्रोलॉजी एंड वट विल बी दर्क ऑफ योर्स बींग मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर ठीक है मेट्रोलॉजी ऑफिसर बनने के बाद आपका क्या काम रहेगा तो वो सारी स्पेसिफिक ब्रांचेस के रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए ठीक है देन हाउ कैन यू और योर नॉलेज स्किल्स विल बी हेल्पफुल इन इंडियन एयरफोर्स आप कैसे हेल्प कर सकते हो एयरफोर्स में ठीक है तो आपकी स्पेसिफिकेशंस के आप अपने स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर सकते हो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में या फिर अपने किसी स्किल सेट के बारे में अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में यू कैन टॉक देन व्हाट ऑल कैन बी डन टू मेक इंडियन एयरफोर्स मोर पावरफुल या फिर आपसे बोलेगा इफ विल बिकम द कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स वट चेंजेस यू वुड लाइक टू ब्रिंग इन इंडियन एयरफोर्स तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आप अगर आप किसी को जानते हो तो यू शुड टॉक अदरवाइज रिसर्च ऑन गूगल अबाउट दी इम्प्रूवमेंट इन इंडियन एयरफोर्स क्या और हम बेहतर कर सकते हैं जैसे आपको पता है so, आप. like you know प्लेन आपको सबसे ज्यादा पसंद है और उसके बारे में आपको क्या चीज पसंद है आप प्लीज चेलमी फाइव स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट

तो आपको अगर पता ही नहीं है कि थिएटराइजेशन है क्या तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाओगे समझो तो ये बेसिक चीजें हैं बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो थिएटराइजेशन नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द थ्री सर्विसेज योर आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स ओके देन वेयर विल यू बी सेंट फॉर ट्रेनिंग ट्रेनिंग कहाँ होगी आप बोलोगे हैदराबाद ही विल आस्क वेयर स्पेसिफिकली इट विल हेल्ड सो यू हैव टू से इंडियन एयरफोर्स एट डूडीगल हैदराबाद समझ आ रहा है तो स्पेसिफिक आंसरेशन ऑफ यूर एयरक्राफ्ट ड्यूरेशन ऑफ यूर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ठीक है और अगर आप स्पेसिफिकली अगर के लिए जा रहे हो तो वेयर विल यूर टेक्निकल ट्रेनिंग विल टेक प्लेस ठीक है तो वो आपको पता होना चाहिए एंड उसके अलावा भी काफी क्वेश्चन आपसे एयरफोर्स के रिगार्डिंग पूछे जा सकते तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तभी आप इजिली वहां पे आंसर कर पाओगे कॉन्फिडेंटली ओके रेस अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो आप पोलाइटली बोल सकते हो कि सर आई डोंट नो बट डोंट लेट दैट अफेक्ट द क्वेश्चन विच यू नो ठीक है बाई चांस अभी मैंने बोल दिया कि सर आई एम सॉरी आई डोंट नो आई रीड अबाउट इट ठीक है उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बट आई इन माई माइंड इज थिंकिंग आई वॉज नॉट एबल टू आंसर हाउ कम आई कैनोट री कॉल विच आई हैव है उससे क्या होगा यू विल टेक प्रेशर ऑन योर ओन और जो आपको क्वेश्चंस आते होंगे दोज आल्सो यू विल नॉट बी आंसर तो एक बात याद रखना यू विल बी फॉर ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच यू आर गिविंग आंसर्स फॉर ठीक है तो ज्यादा प्रेशर खुद पे बिल्ड नहीं करना एंड प्लीज बी रेडी फॉर दी अपकमिंग क्वेश्चन और उन्हें बहुत अच्छे से आपको आंसर करना राइट रेस्ट अगर आपको अभी भी डाउट है कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली एनरोल टूअर एस एस बी ऑनलाइन कोर्स Where we will even conduct your one-to-one -one mock interviews and will make you prepare best for your personal interviews. And there we will also have the live classes, where we will solve your doubts. We will have in one-on-one -on -one interaction. We will provide you a platform where you can come up and speak, and we will try to build a confidence in you. Okay? Apart we are also helping you to prepare for written examinations, be it NDA, CDS, FCAT, or any other examination. And for you can even apply the code Warrior10 for extra 10% discount.

एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं